अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको मसाला दाल भरी रोटी बनाना सिखा रही हूँ, जो कि मैंने इसकी तैयारी करके रखी हूँ। दाल को कम से कम आपको 2-3 घंटा पहले भिगा के रखना है। चने की दाल है, जो कि 150 ग्राम चने की दाल है, भिगा दी हूँ मैंने 3-4 घंटा पहले। चने की दाल है भिगी हुई। 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1/2 चम्मच हल्दी है, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर है और नमक हसबे ज़रूरत है। और तीखा आपने अपने हिसाब से लेना है। मैंने 5 लाल मिर्ची ली हूँ और 4 हरी मिर्ची ली हूँ। अगर आपके पास लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं है तो आप 5 जवे लहसुन के और 1/2 इंच का टुकड़ा आप अदरक डाल सकते हो। तीखा आपकी पसंद से होगा और नमक भी आपके जायके के मुताबिक होगा। ये तमाम चीज़ें चने की दाल में डालकर 1 गिलास पानी डालूंगी, 1 से 1.5 गिलास, और इसको उबाल लेती हूँ मैं। चले अब हम इसको उबालते हैं। ये 150 ग्राम चने की दाल है, बहुत अच्छी लगती है। आप एक बार बनाएंगे तो दोबारा फिर आपका दिल होगा बनाने के लिए। इसे आप अचार के साथ, आम के रस के साथ आप खा सकते हैं। आप हरी मिर्ची जो है तो इस तरीके से 2 से 3 टुकड़े करके डाल दें। बस अब इसे हम चूल्हे पे चढ़ा देते हैं। मैंने ये आटा गूंदा है, ये गेहूं का आटा है, जिसे नॉर्मल जिस तरीके से हम रोटी बनाने के लिए आटा गूंदते हैं वही तरीके से मैंने इसको गूंद के रख दी हूँ 1 घंटा पहले। और अभी इसको जब हम दाल गल जाएगी तो आगे मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए हमारी चने की दाल अच्छी नरम गल चुकी है। अब मैं इसको मिक्सर में पीस लेती हूँ। ये देखिए चने की दाल मैंने अच्छी बारीक पीस ली। और इसको चने की दाल जब गल जाएगी तो पहले आपने ठंडा करना है, उसके बाद में इसको पीसना है। पीसते वक्त मैंने इसमें कोथमीर डालकर पीस दी थी। ये खूब अच्छी बारीक हो गई है। अब इसको हम आटे की छोटी छोटी जो आटा मैंने आपको बताई थी, वो आटा गूंदने के बाद में आपने इसको इस तरीके से छोटी छोटी, आपको जो साइज़ में बनाना है उतनी छोटी आप लेकर उसमें आप जिस तरीके से आलू के पराठे बनाते हैं सेम उसी तरीके से आपने इसको बनाकर इसमें आपने ये मसाला भरना है। मसाला आपकी मर्ज़ी है, आप कम भरते हैं या ज़्यादा भरना पसंद करते हैं, उस तरीके से आपने इसको भरेंगे। ये देखें इस तरीके से आपने इसको भर के बंद कर देंगे। सेम इस तरीके से आपने इसको इस तरीके से, ये देखें बाकी के भी मैं जब तक का पूरे तैयार करती हूँ। ये देखें 1 कप में हमारे 6 पराठे भी बन गए हैं और फिर भी इतना मसाला हमारे पास बच गया है जिसमें हम 3 पराठा और बना सकते हैं। चले अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। मैंने तवा गरम करने के लिए रख दी हूँ। अब हम इसको बेलते हैं, बहुत संभाल के आप इसे बेलिए। आप आलू का पराठा बनाते हैं सेम तरीके से ही आपको इसको बनाना है। ये देखें इसको धीरे धीरे बहुत हल्के हाथ से आपको बेलना है। आप इसकी छोटी छोटी लुई बना के पूरी की तरह भी आप बना सकते हैं। ये देखिए धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे आपको बेलना है और थोड़ा सा इसको ठंडा करके आपने
पूरी में भरना है तो वो और अच्छे से आपका भी, मैं आपके लिए जल्दी जल्दी बना रही हूँ तो आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन आप इसको थोड़ा ठंडा होने के बाद में ही पराठे बनाना, थोड़ा हवा लगने के बाद में, और पीसेंगे भी आप मिक्सर में तो भी आपने ध्यान में रखना है। ये देखें अब हो गया हमारा ये, अब इसको हम सेकते हैं। ये देखें आपने तवा हमारा खूब अच्छा गर्म हो चुका है, चूल्हे की आँच आपने थोड़ी सी धीमी कर देंगे और इसको उठाकर इस पर धीरे से डाल दें और चारों तरफ से आपने तेल डाल दें और धीमी आंच पर आपने सेकेंगे। अंदर का जो मसाला है वो तो हमारा पूरा तैयार है, उसको पकाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमको रोटी सेकना है, तो उसके लिए आपने धीमी आंच पर सेकेंगे रोटी को। ये बने तक हम जब तक दूसरी रोटी बेल लेते हैं। ये देखें हमारे पराठे तैयार है, मसाला दाल पराठा तैयार है। ये आम का रस है, इसके साथ ये बहुत अच्छा लगता है। इसमें थोड़े से आम के आपने चंक्स भी डाल दें, ये और भी आपको खाने में अच्छे लगेंगे। ये आम के चंक्स आप डाल दें और इसके साथ आप खाएं, आपको बहुत मज़े के लगेंगे। आप ये बनाएं और मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर मुझे लिखकर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।